नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज लिफ्ट इंडिया में। दोस्तों, पीएम किसान में एक बड़ा बदलाव हुआ है। यह जानने के लिए कि आपको अपना बैंक स्टेटस अब कैसे चेक करना होगा, इसके लिए आपको बता दें कि सरकार ने 12वीं किस्त ट्रांसफ़र करने से पहले स्टेटस देखने का जो तरीका है उसको बदल दिया है। नए बदलाव के तहत मोबाइल नंबर से लाभार्थी स्टेटस नहीं देख पाते थे, लेकिन सरकार ने इस सुविधा को फिर से बहाल कर दिया है। अब फिर से आप अपने मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जब से शुरू हुई है तब से इसमें अब तक 9 बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। पहले आपके अकाउंट में कितनी किस्त आई है, इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना किस्त चेक करना पड़ता था कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं। पहले किसान पोर्टल पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर दर्ज करके चेक किया जा सकता था, लेकिन बाद में मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करना बंद कर दिया गया था। पहले आधार या बैंक नंबर से स्टेटस चेक किया जा सकता था, अब अकाउंट नंबर की बजाय मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी कर दिया गया है। अगर आपको अपने पैसे चेक करने या आपका अपने अकाउंट का स्टेटस देखना है तो सबसे पहले आप पीएम किसान की वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ फॉर्मर कॉर्नर्स में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद खुलने वाले वेब पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर पर भी कर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद इंटर इमेज टेक्स्ट के सम्मुख दिए गए बॉक्स में इमेज कोड एंटर करें और गेट डाटा पर क्लिक करें। अब आपको अपनी बाईं तरफ नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंक मिलेगा। यहां अपना पीएम किसान खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और कैप्चा कोड भरकर गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी को दिए गए बॉक्स में डालिए और गेट डिटेल्स पर ओके कीजिए। इसके बाद आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके खाते में जो है वो कितना अभी तक किस्त आ चुका है और अगला किस्त कब आएगा और आने में उसको कितना वक्त लगेगा और उसका स्टेटस अभी क्या है। इन सारी चीज़ों को उसमें दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। इससे पहले 11वीं किस्त को 31 मई को किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया था। अब 12वीं किस्त आने का इंतजार किसानों को है। यह किस्त अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के शुरुआती में सबके खातों में भेजी जा सकती है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। चैनल पे अपना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद।